तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? मेरा नाम है अविनाश और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर धाकड़ रूपे। और आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं ना भाई, उस मूवी का नाम है रश्मि रॉकेट। और इस मूवी को हमें देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, और ये मूवी हमको ऐसा क्या नया दिखाती है, और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मूवी को देखते समय, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए रिव्यू शुरू करते हैं। और अगर मूवी की बात करें ना, तो भाई मूवी एकदम धमाकेदार, माइंड ब्लोइंग, ऑसम है। इस मूवी को भाई गलती से ही मिस मत करना। और ये मूवी एक स्पोर्ट ड्रामा होने वाली है विद कोर्ट रूम। और मैं जब इस मूवी को देख रहा था ना, तो भाई मेरे को स्टार्टिंग में बहुत बोरिंग लग रही थी, क्योंकि भाई इस मूवी की स्टार्टिंग में ये दिखाया गया है कि एक कैरेक्टर जो भाई बहुत तेज भाग सकता है, लेकिन वो कहीं ना भागना नहीं चाहता। कि ये मूवी भी एक अदर्स मूवी की तरह है कि भाई स्पोर्ट के बारे में दिखाएंगे, फिर इसका जो एथलेटिक है वो कैसे छूट जाता है, लेकिन भाई इन सारी चीज़ों से एकदम अलग देखने को मिला है इस मूवी में। और ये मूवी की भाई स्टोरी एकदम यूनिक, एकदम आपको इंटरटेन कर देगी, एकदम मोटिवेशनल मूवी है। और ये मूवी एक तरह से इमोशनली मूवी है, जो आपको एक स्टोरी से कनेक्ट करके रखती है। और इस मूवी से जितनी एक्सपेक्टेशन थी ना, ये मूवी भाई उससे बहुत ज़्यादा बेहतर निकली है। लेकिन भाई ये मूवी इससे इसलिए अलग है क्योंकि इस मूवी की स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा एक जेंडर टेस्ट होता है, और एक एथलेटिक उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, और उसके साथ फिर आगे क्या होता है, मीडिया, पॉलिटिशियन, ये सारी चीज़ें आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। और इस मूवी में भाई जितने भी कैरेक्टर हैं भाई, उनकी परफॉर्मेंस दमदार है। और इस मूवी में सबसे अच्छी एक्टिंग लगी मुझे अभिषेक की। इस मूवी में उन्होंने जिस तरह से क्लोयर का कैरेक्टर निभाया ना, कैसे भाई मीडिया वालों को धोते हैं ना भाई भुज में जाके, भाई वाला सीन मुझे इस मूवी का बेस्ट सीन लगता है। क्योंकि जब इनको किसी के बारे में कुछ नेगेटिव बातें करनी होती है ना, तो भाई मीडिया वाले कुछ भी बोलने लग जाते हैं। और लेकिन अभिषेक का कैरेक्टर होता है ना, वहीं पे खड़ा होता है, तो वो बोलता है कि देखो पता है जेंडर टेस्ट के बारे में क्या होता है, और वहाँ पे भाई मीडिया वालों को धोता है, और वो मीडिया वाला भी भाई उससे भिड़ जाता है। वाला सीन मुझे इस मूवी का बेस्ट सीन लगा है। और अगर प्रियांशु के कैरेक्टर के बारे में बात करें ना, तो ये आपको मिर्जापुर, एक्सट्रैक्शन, भावे जैसी मूवी में एक्टिंग कर चुके, और भाई इनकी एक्टिंग भी बहुत दमदार है। लेकिन इस मूवी में उन्हें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं मिला है। इस मूवी में एक तरह से वो तापसी पन्नू के पति बने हैं, जो और वो आगे जाके कैसे मेजर बन जाते हैं और अपनी बीवी का साथ देते हैं, और केस भाई जीतते हैं या नहीं जीतते, ये सारी चीजें आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। और अगर इस मूवी के एक बेस्ट सीन के बारे में बात करें ना, जब तापसी पन्नू का कैरेक्टर और प्रियांशु का कैरेक्टर दोनों जब सैर पे जाते हैं ना, उसके पास उसके दो स्टूडेंट भी होते हैं, जिन जिन दोनों को वो एथलेट बनाना चाहते हैं। लेकिन जब उनका एक दोस्त होता है ना, एक प्लेयर होता है, वो भाई गाने सुन रहा होता है, और वहाँ पे भाई लाइन माइंस बिछी होती है, तो कैसे भाई तापसी पन्नू का जो कैरेक्टर होता है ना, वो दौड़ता हुआ जाता है, और कैसे भाई वो बचा लेता है उसको, भाई वो वाला सीन मुझे इस मूवी का बेस्ट सीन लगा है। ये पूरी मूवी ना भाई तापसी पन्नू के कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है, जो बहुत अच्छा भागती है। और इसी चीज़ को देख के ना, उसका एक दोस्त है उसको सजेस्ट करता है कि तुम भी आज रेस में भाग लो, और उसकी माँ फिर उसको इंसिस्ट करने लगती है कि बेटा तू बहुत अच्छा दौड़ती है, तू दौड़ में भाग ले। और कैसे वो दौड़ में भाग लेते, तो पूरी दुनिया उसे देखती है, और फिर उसको नेशनल टीम वाले बुलाते हैं, और उससे आगे क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। और इस मूवी का डायरेक्शन भाई बहुत कमाल का, और इस मूवी की स्टोरी पर भाई बहुत वर्क किया गया है, और फाइनली ये मूवी बहुत ही गजब लगी मुझे। और भाई इस मूवी से मैं बहुत ही कनेक्ट हो गया था, और इमोशनल भी हो गया था। और ये पूरी मूवी ना भाई 2 घंटे के आसपास है। ये मूवी शुरू कब होती है और ख़त्म कब होती है आपको यही पता नहीं चलता, और जब भाई इस मूवी का एंड आता है ना, तो सोचते कि भाई ये मूवी थोड़ी और लंबी होती तो भाई कितना मज़ा आता। और इस मूवी में जो अभिषेक का कैरेक्टर ना, अपने आप को जो वॉलंटियर करता है ना तापसी पन्नू के कैरेक्टर के सामने, कि मुझे तुम्हारा केस लड़ना, मैं और भी बहुत सी लड़कियों के लिए लड़ना चाहता था, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसकी वजह से मुझे बहुत गिल्ट होता है, तो प्लीज़ मुझे अपना केस लड़ने दो। और जब वो केस लड़ता है ना, तो भाई कितना डीपली घुस जाता है इस केस में, और एविडेंस कलेक्ट करने के लिए भाई क्या कुछ नहीं कर जाता, और हमेशा भाई कुछ ना कुछ वो छोटी छोटी थ्योरी लिखता रहता है, ताकि वो इस केस के खिलाफ ना भाई बहुत पक्के सबूत कर सके। लेकिन वो केस जीत पाता है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। और इस मूवी के डायलॉग्स, डायरेक्शन, भाई स्क्रीन प्ले, क्लाइमेक्स सब एकदम ज़बरदस्त है। और अगर इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें ना, तो भाई इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत धमाकेदार है। और अगर इस मूवी की स्टोरी पे आए ना, तो इस मूवी में जो तापसी पन्नू का कैरेक्टर ना, जब वो नेशनल में जाता है ना, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आती है। वहाँ पे एक लड़की होती है, जो वहाँ पे टीम मेंबर होते हैं ना, वहाँ पे एक रिलेटिव होती है, और जिसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, लेकिन तापसी पन्नू के कैरेक्टर आने की वजह से ना, वो हमेशा दूसरे नंबर पे आती है, तो वो उसको कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश करती है। और जब तापसी पन्नू का कैरेक्टर एशियन गेम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करता है ना, तो कैसे जेंडर टेस्ट के नाम पर भाई उसके ह्यूमन राइट्स का गलत इस्तेमाल किया जाता है।
वो कैसे एसोसिएशन के खिलाफ ना FIR करती है और जीतती है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। और इस मूवी के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा वरना इस मूवी के लिए स्पॉइलर हो जाएगा। और अगर ये मूवी आपको देखनी है ना तो ये मूवी आपको G5 की स्ट्रीमिंग सर्विस पर देखने को मिल जाएगी। और अगर आपने ये मूवी देखी है आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। ओके बाय, टेक।